नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 1,01,99,798 पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,00,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं भारत में भी प्रतिदिन कोविड-19 के केस घटने के बजाय बढ़ते ही दिख रहे हैं। ऐसे में सभी के मन में अब अपनी सेहत को लेकर काफी चिंता है। इसी बीच खबर है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के कुछ हाउस स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी खुद एक्टर ने ट्विटर पर दी है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपने स्टाफ मेंबर के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। एक्टर ने ट्विटर पर एक लेटर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनके घर के दूसरे लोगों का भी कोरोना टेस्ट हुआ जो कि नेगेटिव निकला है। आमिर खान ने लिखा, मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे स्टाफ के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें तुरंत क्वारंटीन कर दिया गया है। बीएमसी के अधिकारियों ने तेजी दिखाते हुए उन्हें मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। मैं बीएमसी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, वे मेरे स्टाफ की अच्छी देखभाल कर रहे हैं, साथ ही पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। हम सभी का भी कोरोना टेस्ट हुआ और हम लोग नेगेटिव पाए गए हैं। अभी मैं अपनी माँ का कोरोना टेस्ट करवाऊंगा, वे आखिरी शख्स हैं जिनका कोरोना टेस्ट होना बाकी है। प्लीज प्रार्थना कीजिए कि मेरी माँ का कोरोना टेस्ट नेगेटिव निकले। जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ बीएमसी ने हमारी मदद और केयर की है, उसके लिए मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बता दें कि आमिर खान ने कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ का भी धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा, वे सभी टेस्टिंग प्रोसेस को काफी प्रोफेशनल और केयर के साथ कर रहे हैं। आमिर खान ने सभी से सेफ रहने की भी अपील की है। वहीं आमिर खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा है, इसमें उनके साथ करीना कपूर खान नजर आएंगी। ये फिल्म टॉम हैंक्स की मूवी फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक है। लाल सिंह चड्ढा इस साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से मूवी की रिलीज डेट पर सस्पेंस बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।